देखो यहाँ पे अपने पास गिवन क्या है, 3 इंटू cos 40 प्लस आयोटा sin 40 इंटू 4 इंटू cos 80 प्लस आयोटा sin 80। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सॉरी यहाँ पे 40 है, ठीक है। तो हमारे पास e की पावर आयोटा थीटा होता है, उसको हम लिखते हैं cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या आएगा, 3 इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e टू दी पावर आयोटा 40 इंटू 4 इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e टू दी पावर आयोटा 80। ठीक है, तो देखो 4 इंटू 3 तो क्या हो गया, अपने पास 12 है, और e टू दी पावर ये दोनों मल्टीप्लाई में तो पावर वो एड हो जाएगी, तो यह आ जाएगा आयोटा 40 प्लस 80 क्या हो जाएगा, 120। ठीक है, और e की पावर आयोटा थीटा को मैं क्या लिखूंगा इस तरह से, तो देखो ये आ जाएगा मेरे पास 12 इंटू cos 120 प्लस आयोटा sin 120। ठीक है, तो देखो 12 इंटू cos 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 90 प्लस 30 प्लस आयोटा sin 90 प्लस 30। ठीक है, तो देखो 12 इंटू cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, -sin थीटा, तो यह आ जाएगा -sin 30 प्लस आयोटा sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो यह आ जाएगा मेरे पास cos 30। ठीक है, तो देखो 12 इंटू sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 प्लस आयोटा cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, अब देखो 2 बाहर आके कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 6 एंड -1 प्लस आयोटा √3। ओके, तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आ रहा है अपने पास फोर्थ आंसर इज करेक्ट। ओके, तो हमें बस इसमें बदलना है और फिर अपने पास इजी हो जाएगा ये। ओके।